सो गाइस मैं बस में बैठ चुकी हूँ और ये लोग बस यहाँ पे खड़े वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज मेरी फ़्लाइट है पाकिस्तान टू चाइना, तो आज का व्लॉग सामना करके दो आंसू ना आए होते शुगर हो गए मजे दे विच रहोगे। एडवाइस दे रही हूँ मजे में, जब पाकिस्तान में दूर रहोगे आप रहोगे। आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा लगीज में सारा थी, लेकिन अब व्लॉग में नहीं थी। कहाँ जा रही है? नो नहीं, हम यहाँ आप लगती हैं बुरी, क्या करें। तो मेरे को नजर आ रहा है ओरिजिनल में, कैमरे में भी तो आ रहा है। एक पत्थर ले ले बना। चलो ये आप क्या सोच रही हो, बड़ा औखा है। बैठ जा बैठ जा। चलो ये पकड़ो, इधर देख पाए। चलो मानी आ जाए। हैप्पी बर्थडे, बाय बाय पाकिस्तान, बाय बाय पाकिस्तान। वो भी कह रही बाय 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 बाय। हुण मुड़ के ना आयो, बस यही दुआ है थाडी दी। अल्लाह अल्लाह, ये मैं वो ये बता रहा हूं, अल्लाह तो कह रही मुड़ के ना आ। मैं तुम्हें अच्छी दुआ दे रही हूं सच में, बुला ली ना हमें, हम आ जाएंगे, तू ना आई। सानू बुलाई, वो तो ना आई। कितने कितने लली मची पड़ी है, बस का नंबर ही नहीं पता इनको। वाओ मिठू, ये लगेज पकड़ो मैडम, बड़ी खुशी खुशी चलते हुए जा रही हो, लगेज पकड़ो। तो मैं इसलिए लाए हैं हम लोग साथ, ले भाई तो बिठा बस बात। सो गाइस सना का तो बस एक ही लगेज है, ये लड़की जा भी जाती है कहती पहले वॉशरूम जाना मैंने। और गाइस ऐसा सीन हुआ, मतलब इतने शॉर्ट टाइम पे हम लोग पहुंचे हैं ना, अल्टो का जो है ना वो पेट्रोल खत्म हो गया, फिर मेरे अंकल आए थे, मेरे कज़न आ रहा वापस आया ना सभी, उसने 7:30 आना है और इन्होंने निकला है, तो हम उसके साथ आए हैं और ये लोग बाकी लोग जो है वो सिविक पे आया। और ये देखो इन आवाम को, ये सना का सामान सारा निकल चुका है। मुल्तान के सोन हलवे भी जा रही है जी, मुगल बेडिंग स्टोर, जहाँ पे हमने जहाँ पे जाना चल रही थी, वही धंधा धंधा हुआ बड़ा बेबी। बाय बाय, ओके बिटू, हुण मैनू बुला ली तो अल्लाह जाई मैनू बुलाना, चल जा। ओके जी, ओके ना, पता नहीं कैसा आ रहा है, से जाओ। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, ओके सही का बा, दोबारा से क्या कह के, चलो सामान चलो गाइस बस ये जाने लगे, अलविदा अलविदा, बाय बाय। ओ मैं कह रही कुड़ी कितना चली गई, ओ जी बाय बाय कर दिया। सो गाइस मैं बस में बैठ चुकी हूँ और ये लोग बस यहाँ पे खड़े वेट कर रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं क्या? इस्लामाबाद में बस में गई थी और यहाँ पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बस में मैंने ये खाया, और जहाज़ पे मुझे रिकॉर्ड करना याद ही नहीं रहा कि मैंने क्या खाया खाया क्या गंदगी लगी, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और मैं यहाँ पे वॉशरूम में खड़े होकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। और क्या टाइम हुआ है, 2 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हो लूँ, मुँह शुद्ध हो लूँ, वाशरूम हो लूँ, फिर हम जाएंगे आगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड देन फ्लाइट होगी सुबह के टाइम। सो गाइस फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हालत टाइट हो गई है और टाइम कुछ हो रहा है यूं के 4 बज रहे हैं चाइना के और पाकिस्तान के 1 बज रहा है। ये हम बैठे हैं, सारे चाइनीज़ हैं, वो इतना ज़्यादा रश है। मैंने ग्लासेस उतारे हुए तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अभी हमारी 8 बजे की ट्रेन है, फास्ट ट्रेन है, फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैवल करना है फास्ट ट्रेन में, लेट्स सी क्या एक्सपीरियंस आता है। ये एक्सपीरियंस तो बस कुछ ना पूछो, हमने इतनी फिंगरप्रिंट्स लगाई हैं, फिंगरप्रिंट ही नहीं मेरी ओके हो रही थी, इतना इशू बन रहा था फिंगरप्रिंट पे, फिंगरप्रिंट वेरीफिकेशन नहीं हो रही थी। सो गाइस हम लोग फाइनली जो है अब एयरपोर्ट से निकलने लगे हैं ट्रेन के लिए। सो या गाइस फाइनली आई रीच्ड एट माय यूनिवर्सिटी और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मेरे पास मेकअप रिमूवर भी नहीं है कि मैं अपना ये जो मस्कारा लगाया हुआ था पूरे रास्ते में वो रिमूव कर सकूं। मुँह शू मैं धो के आई हूँ, सुबह के टाइम हो रहा है, लेट मी शो यू। 6:39 मतलब 6:30 हो रही है, मैं आप लोगों को यहाँ की मॉर्निंग दिखाती हूँ। ये मेरी विंडो का नज़ारा है, बाकी बैग का जो है वो बाकी अपार्टमेंट वगैरह जो है मैंने अभी चेंज करना है क्योंकि ये मैंने टेम्प्रेरी अपार्टमेंट मुझे दिया गया है कि आप इसमें भी शिफ्ट हो जाओ, तो जब वो होगा तो उसके बाद मैं उसको सेटल करूँगी। बाय द वे दिस इज़ माय बेड एंड दिस इज़ माय साइड टेबल और इस तरह से बस अभी सो गई थी, शीट्स वगैरह भी अब मैंने नहीं लगाई हैं। अभी सुबह उठ के मैंने ये थोड़ा सा सोनल वा खाया और 2 पेनाडोल खाई है और 1 वॉन्स्टन खाई है, अब जाके मुझे कुछ समझ आई है, नहीं तो मेरी बॉडी इतनी पेन कर रही थी कि और शायद मैंने साथ में ना ये विंडो भी खोली हुई थी तो ठंड काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। फ्लू हुआ है पूरे रास्ते, फ्लू, गला ख़राब, बड़ा ही बुरा सफ़र था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और स्टोरियाँ तो मैंने आप लोगों को सुनानी है कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ क्योंकि मैंने व्लॉग तो इतना रिकॉर्ड नहीं किया। खैर चलो अभी थोड़ी देर तक सारे काम करने हैं, वो साथ साथ आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। गला अच्छी तरह से ख़राब हुआ हुआ है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में मुझे बाहर जाना है, मुँह धो के आई हूँ तो चलिए जी SPF लगा लेते हैं। निकल ही नहीं रहा है, आ जा आ गई है थोड़ी सी, जब मैंने ना चाइना की SPF लेनी पता है क्योंकि चाइना आ गया ना तो चाइना की धुप्प की SPF लेनी चाहिए, पाकिस्तान की धुप्प इन्नी माड़ी नहीं जिन्नी चाइना की माड़ी है। सो चाइना की SPF लेंगे अभी फिलहाल, हम बस लगा लेते हैं। मैंने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है, सुकून आ जाता है, पता नहीं मुझे SPF लगा के ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया हो। ओके चलो जी अब बस थोड़ी देर तक मैं जाऊँगी अपनी सिम लेकर आऊँगी, अभी तक मैंने अपने घर वालों से बात नहीं करी है, ठुश ठुश ठुश, और उनको ये भी नहीं पता कि मैं पहुँच गई हूँ या नहीं पहुँची या रस्ते से मर कब गई हूँ।
सो गाइज आप लोगों को मैं अपने अपार्टमेंट से ना मतलब जो हॉल रूम है वहाँ पे बाहर कैसा व्यू है वो दिखाती हूँ। सो ये व्यू है, वो लिखा हुआ हमारी यूनिवर्सिटी का नाम चुम्बिताश्वे, ये व्यू आता है। और मज़े की बात ये है कि हमारे रूम हमारे अपार्टमेंट की लाइट भी नहीं है, मतलब जेडे भी रह के गए ना बहुत ही कंजूस लोग रह के गए ने, बिल्कुल मुका के गए ने, एग्जैक्टली हमारी आल्टो की तरह। 你就叫我给他删了吧